नमस्कार रितु किचन में आप सभी का स्वागत है। आज रितु आपके लिए पनीर की बहुत ही अनोखी सी सब्जी लेके आई है जो बिना प्याज लहसुन की सब्जी है, तो आप इसको आसानी से घर में बना सकती हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, तो देखिए मैं 250 ग्राम पनीर ली हूँ जिसको बड़े बड़े क्यूब में काट के रखी हूँ, वो आप अपने अनुसार रखिए आपको जिस हिसाब से रखना है। और इसमें मैं 1 कटोरी कुक टमाटर ली हूँ जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, और थोड़ा सा धनिया पत्ती काट के रखी हूँ, 2 हरी मिर्च को मैं कूट के रखी हूँ, और थोड़ा गरम मसाला है, लौंग, इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च और जावित्री, और थोड़ा सा अदरक को मैं पीस के रखी हूँ। और इसमें 4-5 काजू, 1 चम्मच खसखस, थोड़ा सा मगज बीजा और 1 चम्मच तिल, सबको मैं पीस के एक अच्छा सा पेस्ट बना ली हूँ। तो चलिए इन सबको लेके एक अच्छा सा प्यारा सा सब्जी रेडी करते हैं। जो तो देखिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली हूँ। अब इसमें मैं 2 चम्मच शुद्ध घी डालूँगी, आप बटर भी डाल सकती हैं। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा शक्कर डालूँगी, देखिए शक्कर कैरमलाइज हो गया है। अब इसमें मैं तेज पत्ता डालूँगी, अब इसमें सारे खड़े गरम मसाले को डाल दूँगी। अब इसमें मैं कूटा हुआ हरी मिर्च डाल रही हूँ, उसके बाद अदरक डाल दूँगी, धनिया पत्ती, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए धनिया अच्छे से भुन गया है। अब इसी समय पे 1 चम्मच में बेसन डालूंगी, उसके बाद 2 चम्मच दूध पाउडर डालूंगी, अगर आपके पास खोआ है तो आप खोआ डाल सकती हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, भुना हुआ जीरा, मिक्स गरम मसाला जिसमें किचन किंग 1/2 चम्मच और गरम मसाला 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी। अब इसको 2 मिनट चला लेते हैं, अच्छे से चला के इसको भून लेते हैं। अब इसमें कुक टमाटर जो है उसको डाल देंगे, अब इसको तेल छोड़ने तक भून लेते हैं। तो देखिए इसमें से अच्छे से तेल निकलने लगा है। अब चलिए इसमें जो काजू का पेस्ट है, काजू, खसखस और मगज बीजा का, उसको डाल देते हैं। अब गैस के फ्लेम को हाई करके इसको अच्छे से भूनना है, ताकि इसमें जो भी मैं मसाला डाली हूँ वो अच्छे से भून जाए। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, इसमें आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से तेल निकल रहा है। अब लास्ट है, इसी समय पे आपको इसमें अपना घर का जो दूध के ऊपर जो मलाई होता है उसको डाल देना है, जिससे आपका सब्जी का स्वाद एकदम दुगना तिगुना हो जाएगा। तो इसको देना बिल्कुल मिश मत कीजिएगा, और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ पर 1 कप दूध दे सकती हैं। चलिए इसको डाल देते हैं, और अब इसको अच्छे से भून लेते हैं फिर से। तो देखिए जब सब्जी इस तरीके से तेल छोड़ने लगे, तब वहाँ पे आप 1 कटोरी पानी ज़रूर डालिए, भी गर्म पानी, ताकि जो मसाला मैं इसमें डाली हूँ वो अच्छे से फूल जाए, जिससे क्या होता है कि मसाला अच्छे से भूनता है तो स्वाद सब्जी में बहुत अच्छा आता है। और फिर से इसको तेल छोड़ने तक भून लूँगी, ताकि मेरा मसाला जो है अच्छा सा स्वाद निकलेगा। तो देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, देखिए तेल एकदम ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसी समय पे जो मैं पनीर को काट के रखी हूँ उसको डाल देते हैं, और पनीर को डालने के बाद उसको भी मैं 5 मिनट भूनूंगी, ताकि पनीर के अंदर भी सारे मसाले का स्वाद आ जाए। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिला देते हैं, अब इसको मैं पक्का 5 मिनट अच्छे से फ्लेम को हाई करके अच्छे से भूनूंगी। देखिए इसको मैं 5 मिनट अच्छे से भून ली हूँ, अब इस पर थोड़ा सा पनीर को ग्रेट कर दूंगी, ताकि इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो चलिए अब इसमें फटाफट मैं पनीर को कीस देती हूँ, खूब सारा पनीर, जितना आपको पसंद है उतना आप इसके ऊपर कीस दीजिए। तो देखिए इसको मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, देखिए कितना देखने में लजीज लग रहा है, लग रहा ना कि इसमें इतना मसाला पड़ा है, लेकिन आप खुद देख के सोचिए कि इसमें मैं कौन सा मसाला डाली हूँ, लेकिन ये कितना प्यारा लग रहा है। जो देखने में इतना प्यारा हो तो खाने में कितना टेस्टी होगा, तो ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब सबको मिला देते हैं, अब इसमें 1 कटोरी पानी मैं डाल देती हूँ, और ग्रेवी आप अपने अनुसार बनाइए, गाढ़ा पतला जैसा आपको चाहिए। तो बस अब ये एक बार उबल जाए फिर रेडी है पनीर की सब्जी। तो देखिए रेडी है मेरी सब्जी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।